दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कैंटरबरी टेल्स चौसर जियोफ्री चौसर का 24 स्टोरीज का एक कलेक्शन है, जिसे 17,000 लाइनों में लिखा गया है बिटवीन 1387 टू 1400। और मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत ही फेमस वर्क था, और आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, ये जनरल प्रोलॉग ओपन होता है अप्रैल के डिस्क्रिप्शन से। स्प्रिंग आ रही है, तो ये स्प्रिंग का डिस्क्रिप्शन चौसर कुछ ऐसे देता है कि फ्लावर्स तो बड़े हो रहे हैं और बर्ड्स जो हैं वो गा रहे हैं। दोस्तों, इस जनरल प्रोलॉग का फर्स्ट सेंटेंस जो है वो इंग्लिश पोएट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 लाइनें हैं। चौसर जो हमारा नैरेटर है वो एक पिलग्रिमेज पर जाने की तैयारियां कर रहा है, और अभी टैबर्ड इन में रुका हुआ है जो कि साउथ वर्क में है, जो कि एक बार टाइप का है। और अलग अलग टाइप के 29 पिलग्रिम्स जो इसके साथ हैं वो इस इन में एंटर होते हैं, और नैरेटर भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। नैरेटर और इसके साथ के पिलग्रिम्स ड्रिंक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कल सुबह वो एक साथ अपनी जर्नी शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, जर्नी को शुरू करने से पहले यहां हमारा नैरेटर रुकता है और रीडर यानी हमको एक एक करके सारे ट्रेवलर्स यानी कि उसके साथ के पिलग्रिम्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब नैरेटर हमें सबसे पहले कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है नाइट, जो कि ब्रेवरी यानी कि वीरता शूरता को पसंद करता है और ट्रुथ और ऑनर के लिए लड़ता है। दोस्तों, इस नाइट ने बहुत सी जगहों पर सफर किया है, जैसे प्रशिया, रशिया, लिथुएनिया, मोरक्को, अलेक्जेंड्रिया, टर्की वगैरह वगैरह। हर जगह पर इसने जीत हासिल की और हर जगह पर इसकी जीत के लिए इसकी तारीफें भी हुई। लेकिन इसने जो भी कारनामे किए क्रिस्ट के प्रेम के लिए किए, ना कि ग्लोरी के लिए। ये दोस्तों किसी से भी गलत नहीं बोलता और साधारण से कपड़े पहनता है। अब नैरेटर हमें नाइट के बेटे स्क्वायर के बारे में बताता है, जो कि एक रंगीन और लस्टी यंग नाइट है, जिसने नॉर्दर्न फ्रांस में बहुत से अभियानों में भाग लिया है। लेकिन दोस्तों, ये अपने फादर की तरह उतना परफेक्ट नहीं है। अब इसके बाद नरेटर नाइट के सर्वेंट योमन के बारे में बताता है, जो कि ग्रीन हुड और कोट पहनता है। इसके बारे में नरेटर कुछ ज्यादा डिटेल से नहीं बताता। इसके बाद दोस्तों नरेटर आता है प्रायरस पर, जो कि एक नन है और इसका नाम है मैडम एग्लेंटाइन, और ये अपनी नाक से लिटर्जी के साइन देती है। और दोस्तों, ये फ्रेंच बोलती है। इसके कपड़े ज्यादा ही रिच, जैसे कपड़े पहनते हैं ना उस टाइप के हैं। ये बहुत ही चैरिटेबल है, दान वगैरह करती है। इसके बाद नरेटर मॉन्क के बारे में बताता है, जो कि एक रिलीजियस और करप्ट कैरेक्टर है। और आमतौर पे आप लोग देखोगे मॉन्क्स एकदम सिंपल कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये एकदम रिच की तरह कपड़े पहनता है। अब दोस्तों, इसके बाद चौसर फ्रायर के बारे में बताता है, जो कि एक्सीलेंट सिंगर है। और उसके बाद मर्चेंट के बारे में, इसके बाद मर्चेंट का नंबर आता है, जिसकी दो नोक वाली दाढ़ी है, और ये भी इन्हीं के साथ है। ये मल्टी कलर बरसाती टाइप की पहनता है, हैट और बूट्स भी। और दोस्तों, ये इसलिए ये सब पहनता है ताकि ये छुपा सके कि ये कर्जे में है, और नरेटर ये बात जानता है कि ये कर्जे में है। इसके बाद बारी आती है क्लर्क की, जो कि एक गरीब स्कॉलर है और घिसे पिटे पुराने कपड़े ही खरीद सकता है, क्योंकि ये अपना बहुत सारा पैसा बुक्स पर खर्च कर देता है। ये एक तो सीरियसली स्टडी करता है और बहुत ही मॉरल बातें करता है। दोस्तों, इसके बाद मैन ऑफ लॉज, जो कि मर्चेंट की ही तरह न्यू मिडिल क्लास का मेंबर है और ये रैंक ऑफ नोबिलिटी को ज्वाइन करना चाहता है। इसके बाद फ्रैंकलिन, जिसकी वाइट कलर की दाढ़ी है और ये बहुत ही फ्री और वेल्थी लैंड ओनर है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक एक्सीलेंट होस्ट भी है, जो हमेशा अपनी टेबल को दावत के लिए रेडी रखता है। गरीबों को, अपने जो किसान गरीब किसान है, उनको खाना खिलाता है, एंटरटेनमेंट देता है। बढ़िया क्वालिटीज हैं इसके अंदर। और इसी ग्रुप में 5 गिल्ड्समैन भी हैं। ये वो 5 गिल्ड्समैन है जिन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं, और इन्होंने इस जर्नी के लिए एक कुक को हायर किया है, और इस कुक का नाम है रॉजर डी वेयर। ये एक बहुत ही स्किलफुल कुक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, इनके साथ एक बदमाश शिपमैन भी है,
जो अपनी गर्दन पर एक डैगर पहनता है। इसके बारे में भी हमें चौसर बताता है। और इसके बाद नंबर आता है फिजिशियन का। फिजिशियन जो कि क्लर्क की तरह एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, यानी कि वेल एजुकेटेड है, लेकिन क्लर्क की तरह ये नॉलेज के लिए इतना पागल नहीं है। लेकिन दोस्तों ये साइंस और मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके बाद दोस्तों वाइफ ऑफ बाथ जो कि टाउन ऑफ बाथ से आती है और 5 बार ये शादी कर चुकी है और बहुत ही एक्सपर्ट मानती है खुद को मैन एंड वुमेन की रिलेशनशिप में। इसके बाद दोस्तों पार्सन, ये पार्सन दूसरे रिलीजियस कैरेक्टर से बिल्कुल ही एकदम ही अलग है, सिंसियर और सच्चा धार्मिक प्रिस्ट है ये। इसके बाद मिलर जो कि एक चैंपियन रेसलर है और थीफ है, अनाज की चोरी करता है ये। इसने रेसलिंग में बहुत सारे प्राइज जीते हैं। इसकी नाक पर एक मस्सा है और इसकी दाढ़ी रेड कलर की है। इसके बाद दोस्तों मैंसिपल जो कि एक बिजनेसमैन है और शिपमैन और मिलर की तरह इसका कैरेक्टर भी ऐसा ही है, चोर वाला। इसके बाद नंबर आता है रीव का। देखिए दोस्तों रीव जो कि एक स्टेट का मैनेजर है और एक दुबला पतला बुढ़ा और चिड़चिड़ा आदमी है, और क्योंकि इसे बहुत सारी ट्रिक्स आती है ट्रेड की तो सब इससे डरते हैं। दोस्तों ये एक टैलेंटेड कारपेंटर भी है, और जब मिलर अपनी फुलिश कारपेंटर वाली स्टोरी सुनाता है तो ये उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों समनर जो कि एक रिलीजियस पाखंडी है, और इसके बाद लास्ट कैरेक्टर है पार्टनर जो कि एक नखरेबाज लंबे बालों वाला होमोसेक्सुअल है। बकरी की तरह इसकी आवाज है और बहुत ही नखरेबाज है ये। अब दोस्तों इन सब कैरेक्टर्स के बारे में बताने के बाद चौसर कुछ गलती हो गई हो उससे तो उसके लिए माफी मांगता है। इसके बाद दोस्तों इस टैबर्ड इन का होस्ट हैरी बेली तो रह ही गया। ये बड़ा जॉली आदमी है। इसी ने सबके सामने ये प्रपोजल रखा कि कहानियां सुनाते हुए, गेम सुनाते हुए हम लोग चलते हैं कंटेबरी, गेम खेलना चाहिए हमको कहानियां सुनाने का। और इसी ने गेम के रूल्स भी तैयार किए, भाई पत्थर की तरह हम लोग कैंटरबरी जाएंगे और वापस आ जाएंगे तो क्या मजा आएगा। तो सारे पिलग्रिम्स इसके इस प्लान पर एग्री हो गए, और इसके बाद अगली सुबह कहानियां सुनाने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहला नाम आया नाइट का, और जिसकी स्टोरी कैंटरबरी टेल्स में सबसे लंबी स्टोरी है दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों जनरल प्रोलॉग खत्म होता है।